देखिए बेटा, गॉस थ्योरम क्या थी? गॉस ने क्या बताया था? अभी अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी सरफेस से लिंक होने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। गॉस ने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ही फॉर्मुला दिया था, उसी से रिलेटेड डिफिनेशन दी थी, लेकिन जो सरफेस दिया था वो क्लोज सरफेस दिया था। यानी गॉस ने जो थ्योरम दी थी वो क्लोज सरफेस, गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए थी। यानी कहने का मतलब था कि अगर हम किसी चार्ज को, फिर से ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के भीतर रख दें, ये कोई सरफेस लिया और इसके भीतर कोई चार्ज रख दें, हम इसके भीतर कोई चार्ज रख दें प्लस क्यू कूलम चार्ज, इससे फ्लक्स पास होगा। आप जानते हैं इससे चार्ज से फोर्स लाइन निकलेंगी और फोर्स लाइन निकलेंगी मतलब फ्लक्स पास होगा। चार्ज से फोर्स लाइनें निकलेंगी मतलब फ्लक्स पास होगा, क्लियर? चार्ज से फोर्स लाइनें निकलेंगी मतलब फ्लक्स पास होगा। लेकिन अब ये इससे जो क्लोज सरफेस अगर हमने लिया तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? हमने जब क्लोज सरफेस लिया तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? इससे पास होने वाला जो फ्लक्स फाई होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो नॉर्मली अभी तक हमने पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है फाई वो डिपेंड करता है एरिया वेक्टर ई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए पे। जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए पे डिपेंड करता है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। लेकिन ये फॉर्मूला तब के लिए था जब सरफेस नॉर्मल था, सरफेस क्लोज नहीं था। जब सरफेस क्लोज नहीं था तब फ्लक्स फाई ई डिपेंड करता था इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए पे। लेकिन अगर सरफेस क्लोज हो तब फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? अगर सरफेस क्लोज हो तब फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहली चीज़ तो एरिया पे तो बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे एरिया पे नहीं करेगा? ध्यान से देखिएगा, नॉर्मली जो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा फाई ई, हमने फ्लक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा फाई ई ई इंटू ए, यानी यहाँ से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए पे डिपेंड करना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला तब के लिए था जब सरफेस ओपन था। लेकिन अगर सरफेस क्लोज हो गया तो फ्लक्स जो है वो एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा इसको समझिए। अभी इस चार्ज से जो लाइनें निकल रही हैं, हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने देखा इससे 8 लाइनें पास हो रही हैं, इससे 8 लाइनें चार्ज से पास हो रही हैं, मतलब फ्लक्स कितना हुआ 8। अगर हम इस समय फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स कितना हुआ 8, क्लियर? चलिए, हमने चार्ज के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, हमने चार्ज वही रहने दिया और हमने एरिया को बढ़ा दिया, क्लियर? एरिया हमने बढ़ा दिया। अब देखिए एरिया ये हो गया, बड़ा हो गया एरिया। अब लाइनें कितनी निकल रही, हमने चार्ज के साथ कुछ किया नहीं तो लाइनें तो अभी भी उतनी ही निकल रही हैं। कितनी लाइनें? 8। यानी यही लाइनें अब इस एरिया से लिंक होंगी। तो इस सिचुएशन में फ्लक्स कितना हुआ? आप देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में फ्लक्स कितना हुआ? इस सिचुएशन में फ्लक्स 8 ही हुआ। तो क्या एरिया चेंज करने पर फ्लक्स चेंज हुआ? यानी एरिया को चेंज करने पे फ्लक्स में कोई चेंजमेंट नहीं आया। तो अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें, तो क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास हुआ फाई ई वो डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे? एरिया पे। वो एरिया पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, एरिया से कोई मतलब नहीं। एरिया को कम करें एरिया को ज़्यादा करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्लक्स जितना था उतना ही रहेगा। यानी एरिया को चेंज करने पर फ्लक्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब तो डिपेंड किस पे करेगा? अगर हम यही चार्ज को हटा दें और चार्ज चेंज कर दें, हम कोई ऐसा चार्ज लें जो ज़्यादा लाइनें प्रोड्यूस करें, तो सिंपल सा फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी अगर हम इस चार्ज को हटा दें और कोई ऐसा चार्ज इसकी जगह पर रखें जो इनसे ज़्यादा लाइनें प्रोड्यूस कर रहा हो, अभी ये लाइनें, ये चार्ज 8 लाइन प्रोड्यूस कर रहा है, वो 10, 20 कुछ भी समथिंग, मतलब ज़्यादा लाइनें प्रोड्यूस कर रहा हो, तो फ्लक्स चेंज होगा। यानी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? चार्ज पे। पहली चीज ये किसने बताया था गॉस ने। तो गॉस ने क्या बताया कि क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स होता है वो एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे, पहली चीज। दूसरी चीज,
और किस पर डिपेंड करेगा? उन्होंने कहा कि अगर इसी चार्ज में हम यहाँ पे कोई मीडियम फिल कर दें, गॉस ने कहा कि ये क्लोज सरफेस था, ये चार्ज रखा था, रास्ते में हम कोई मीडियम फिल कर दें, कोई भी मीडियम, तो ये मीडियम क्या करेगा, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम हो सकता है, ये मीडियम क्या करेगा, इन फोर्स लाइनों को थोड़ा रोकने की कोशिश करेगा, अगर रोकने की कोशिश करेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हमने कोई मीडियम फिल किया, ये मीडियम क्या करेगा, इन चार इन जो लाइनें जा रही हैं उनको रोकने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स कम हो जाएगा, अगर नहीं फिल होगा तो फ्लक्स ज़्यादा रहेगा। तो उन्होंने कहा जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, जो मीडियम फिल किया उसकी परमिबिलिटी पे। परमिबिलिटी आप पीछे पढ़ चुके, सॉरी परमिटिविटी पीछे आप पढ़ चुके हैं, परमिटिविटी आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा, यानी एप्सिलॉन नॉट पे। लेकिन उल्टा एप्सिलॉन नॉट के बढ़ने से फ्लक्स कम हो रहा था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऐसा गॉस ने बताया। तो यही था गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ था फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन डेफिनेशन क्या हुई गॉस लॉ की, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड, पास भी बोल सकते हैं लिंक भी बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस क्लोज सरफेस, सॉरी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मल्टीप्लाई के लिए टाइम्स का यूज करते हैं, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। इनक्लोज्ड बाय सरफेस, इनक्लोज्ड का मतलब होता है घिरा हुआ, इनक्लोज्ड दरबार लिख रहा है, इनक्लोज्ड का मतलब होता है घिरा हुआ, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, क्लियर। अच्छा अब एक चीज़ और समझिए गॉस थ्योरम के हिसाब से, अगर यहाँ पे चार्ज एक रखा है हमने Q, यहाँ पे एक चार्ज हमने Q1 रखा और यहाँ पे एक चार्ज रख दें हम Q2, तब जो टोटल फ्लक्स होगा, देखिए इससे भी फोर्स लाइनें निकलेंगी, इससे भी फोर्स लाइनें निकलेंगी, तो हमें तो फ्लक्स टोटल चाहिए, कितनी लाइनें इस सरफेस से लिंक हुई, तब जो फ्लक्स होगा फाई वो होगा Q, जैसे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो वहाँ पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तब फ्लक्स हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तब फ्लक्स ये हो जाएगा, क्लियर। यानी जो भी चार्ज रखे होगा, यहाँ पे Q3 होता तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितना भी चार्ज होता है वो पूरा का पूरा चार्ज लिया आता, क्लियर। लेकिन अगर यही कोई चार्ज सरफेस से बाहर होता, अगर यही कोई चार्ज सरफेस से बाहर होता, यहाँ पे होता क्लोज सरफेस से बाहर होता, तो इसको हम नहीं लेते, ठीक है, हम उन्हीं चार्ज को लेंगे जो कि क्लोज सरफेस के भीतर होंगे, इनसाइड द सरफेस। अगर कोई चार्ज सरफेस के बाहर होगा तो उस चार्ज को हम नहीं काउंट करेंगे, उस चार्ज को नहीं लेंगे, हम सिर्फ वही चार्ज लेंगे जो कि सरफेस के भीतर रखा हो, क्लियर। अच्छा अब जैसे यहाँ पे एक डाइपोल लग दिया जाए, इस चीज को समझिए, अगर इसी क्लोज सरफेस के भीतर एक डाइपोल लग दिया जाए तब हमसे पूछा जाए नेट फ्लक्स कितना होगा। हमने क्या किया, क्लोज सरफेस के भीतर एक डाइपोल रखा, ये क्लोज सरफेस, इसके भीतर एक डाइपोल लग दिया, इसके अंदर एक डाइपोल, डाइपोल का मतलब माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, हमने डाइपोल लग दिया और तब हमसे पूछे कि बताइए इसका फ्लक्स कितना होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है फ्लक्स का होता है क्यू वन प्लस क्यू टू, तो क्यू वन की जगह माइनस क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स कितना हो गया जीरो। अगर हम इस क्लोज सरफेस के भीतर कोई डाइपोल रख दें तब इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, यानी उस सिचुएशन में इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, क्लियर क्लियर। यानी फ्लक्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्यू वन प्लस क्यू टू बाई एप्सिलॉन, जितने भी चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। यानी अगर डाइपोल रखा हो तो फ्लक्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी चार्ज का प्लस माइनस हम लेंगे क्योंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, पीछे भी आपने पढ़ा फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी में हम चार्ज का प्लस माइनस लेते हैं साथ में। चलिए अब गॉस थ्योरम का प्रूफ देखिए, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का प्रूफ देखिए, हमने क्या किया, ये क्लोज सरफेस लिया, हमने ये क्लोज सरफेस लिया, स्फेरिकल क्लोज सरफेस, और हमने यहां पे इसके भीतर कोई चार्ज रख दिया, मान लेते सेंटर पे रख दिया, प्लस क्यू कूलम चार्ज रख दिया। अब अगर चार्ज यहां पे रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू कूलम पॉइंट चार्ज ले लिए, अब अगर चार्ज यहां पर रखा हुआ है तो आप जानते हैं इससे लगातार इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाहर निकलेंगी, इससे लगातार इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाहर निकलेंगी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटसाइड होंगी। चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटसाइड हमने दिखा दी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आउटसाइड ई, वेक्टर ई, क्लियर। अच्छा अब इसी जगह पे हमें चाहिए फ्लक्स, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी सरफेस। नॉर्मल अभी हम गॉस थ्योरम पे क्लोज सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सरफेस के लिए ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी सरफेस फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये सिंबल हमने यूज किया इंटीग्रेशन में, ये सिंबल का मतलब है क्लोज सरफेस, तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या फिर हम इसको सीधे सीधे ऐसा बोल सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो उसके लिए हमें ई और डी ए, डी ए का मतलब एरिया वेक्टर, हमें एरिया वेक्टर पता होना चाहिए और एंगल थीटा पता होना चाहिए। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, हमने बताया था कि एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हमें तो चाहिए पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स, गॉस थ्योरम में पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे क्लोज सरफेस को कई सारे छोटे डिपार्टों में डिवाइड मान लेते हैं, इस पूरे क्लोज सरफेस को कई सारे छोटे डिपार्टों में डिवाइड मान लेते हैं, मान लेते हैं पहला छोटा पार्ट ये है, पहला छोटा पार्ट ये है, उसी तरह से दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, कई सारे छोटे छोटे सरफेसों में डिवाइड मान लेते हैं। इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस को हम कई सारे छोटे छोटे सरफेस में डिवाइड मान लेते हैं, ये पहला सरफेस थी, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर डी ए, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। तो हम केवल इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालते हैं, और फिर पूरे सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करा देना पड़ेगा। हम इस छोटे से सरफेस के लिए निकालेंगे, फिर पूरे के लिए निकालने के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज किया जा रहा है, यानी हम जो फ्लक्स निकालेंगे इस छोटे से सरफेस निकालेंगे, लेकिन हमें पूरे क्लोज सरफेस के लिए चाहिए, तो पूरे क्लोज सरफेस के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। याद रखिए फिजिक्स में कभी भी टोटल निकालना उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, तो पूरे क्लोज सरफेस के निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। चलिए अब यहां पे देखिए डी ए और ई दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी इनके बीच का एंगल थीटा कितना होगा, जीरो, यानी हम कह सकते हैं जो थीटा होगा वो जीरो होगा। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो यहां से आया फाइ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो। अब कॉस जीरो आप जानते हैं कितना होता है, यहीं पे सीधा लिखे दे रहे हैं, अच्छा कॉस जीरो आप जानते हैं वन होता है, थीटा है जीरो और कॉस जीरो होता है वन, तो हमने कॉस जीरो वन कर दिया, सीधा हटा दिया उसको, क्लियर। अब आप जानते हैं ये इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर वही रह सकता है, इसके पास डी होगा। अब ये डी किसके पास है, ए के पास, तो ई को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बना फाइ इज इक्वल टू ई, हमने बाहर किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्लियर। चले सारी वैल्यूज पुट करिए, वैल्यू पुट करने का मतलब ये हुआ, अब आप जानते हैं जो ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डी ए कितना होगा, डी ए, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इधर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, डी ए था एक छोटा सा एरिया, डी ए था एक छोटा सा एरिया, और जब इसका इंटीग्रेशन कराया गया तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी ए एक छोटा सा एरिया था और जब इसका इंटीग्रेशन कराया जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी टोटल एरिया,
डीए था, डीए एक छोटा सा एरिया, इसका इंटीग्रेशन कराया जाएगा, तो मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ होल स्पेयर, एरिया ऑफ स्पेयर डीए हो जाएगा एरिया ऑफ स्पेयर, जो कि कितना है 4πr2। स्पेयर का एरिया कितना होता है 4πr2। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहां से अब आएगा हमारा फाई इज इक्वल टू ई, ई की जगह पर 1/4πε0q/r² इंटू डी ए की जगह पर 4πr2। देखिए 4πr² कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगी गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर?